कहते हैं ना कि पर्व हो, त्यौहार हो, खुशी का वो कोई भी पल हो जो आप सेलिब्रेट करना चाहो, लेकिन कभी कभी घर का माहौल ऐसा हो जाता है कि आपका पूरा दिन जो है वो ख़राब हो जाता है। चाहे वो कितना भी बड़ा त्यौहार क्यों ना हो, आप उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से परेशान हो रहे होते हो, वो भी अपने ही घर में, अपने ही लोगों से। तो आज मैं क्या कुछ कहना चाह रही हूँ, आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और हम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा रिएक्शन चैनल है, मैं रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं निष्पक्षता से अपनी बातों को रखती हूँ। और जैसा कि अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और मैंने जो देखा, मैंने सोचा कि अपनी वीडियोस के माध्यम से अपनी बातों को रखूँ। तो नमस्कार यूट्यूब फैमिली, मैं रितिमा राज स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप लोग, और हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो मेरी जो है वो अनीता जी के लिए है, अनीता जी की दुनिया, जो काफ़ी मेहनत करके इतना आगे बढ़ी, क्या कुछ उन्होंने लाइफ में नहीं झेला। और देखिए, ये ना एक रियल लाइफ है जो वो दिखाती हैं, वो रियल लाइफ है। और जो अभी हो रहा है उनके लाइफ में, वो भी उनके खुद के ही घर के लोगों के माध्यम से, जिस तरह से उनको परेशान किया गया, क्या कुछ किया गया, आज मैं उसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं करूँगी। पर हाँ, एक दुआ मैं भगवान से ज़रूर करूँगी कि उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, क्योंकि मैं देख रही हूँ इस त्यौहार में, कहते हैं ना कि परिवार से बड़ा हमारे लिए कोई धन नहीं होता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। परिवार में एक इंसान को भी अगर जो है तकलीफ होती है ना, तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि अनीता जी अपने गांव आई हुई हैं, और लाला जी और उनके बच्चे बहू जो हैं वो इस वक्त बाहर हैं। कारण ये कि उनके ऊपर जो FIR हुआ है, उनको लेकर वो अभी गाँव पर नहीं आ सकते हैं। तो यही सब कुछ है। और इस त्यौहार में परिवार से अलग रहना सचमुच, और अलग रहना तो अलग की बात है, लेकिन मन में एक डर, मन में एक चिंता के साथ जीना, घुटन के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है, खास करके एक महिला के लिए। तो मैं भी देख रही हूँ अनीता जी को, और अनीता जी बीमार भी पड़ रही हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा है ये सब देखकर। तो मैंने सोचा कि अपनी बातों को रखूँ, क्योंकि 3-4 दिन हो गया था मैंने वीडियोज़ नहीं लेकर आई थी, मैं वीडियो लेकर नहीं आई थी अनीता जी के लिए। तो मैंने सोचा कि कम से कम हम वीडियो के माध्यम से उन्हें हौसला तो ज़रूर दे सकते हैं। तो भगवान उनके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा करे। और मेहनत करने वाला इंसान कभी भी पीछे नहीं होता है। जो इंसान ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है ना, जो इंसान लोगों के दिल से जुड़ा हुआ होता है, जो अपने व्यवहार से लोगों को अपने ओर आकर्षित करता है, वो इंसान कभी भी हारता नहीं है। ईश्वर भी उसका साथ हमेशा देता है। ज़रूरी नहीं कि हमारे हालात अगर ख़राब हो गए हैं तो हम उन हालातों से बाहर नहीं निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। जब कहते हैं ना कि दवा और दुआ दोनों असर करती है, बिल्कुल करती है। तो हमने सोचा कि इस नवरात्रि में जो है वो अनीता जी के लिए दुआ करूं कि जो भी कुछ है जल्दी सेटल हो जाए, ख़त्म हो जाए चीज़ें, और फिर से ये परिवार हंसता खेलता मुस्कुराता रहे। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी कि जिस तरह से इनके ऊपर जो FIR किया गया है, उसको लेकर ये लोग कितना परेशान हैं। और ये भी कहा गया था कि गांव आइए, आकर बात विचार होगा, पंचायत से फैसला होगा, हम फैसला करेंगे। लेकिन जब ये गांव आती हैं तो ऐसा कुछ भी हमें अभी तक तो कोई अपडेट नहीं मिल रहा है कि आखिरकार जो केस वापस लेने की बात कही गई थी वो क्या हुआ, उसका कुछ रीजन निकला नहीं निकला, कुछ भी नहीं। कहीं ना कहीं इनको डराने और धमकाने का प्रयास किया गया, और यही डर के कारण ये जो हैं ये गांव में नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि जो केस इनके ऊपर किया गया है उसमें कभी भी इनको जो है अरेस्ट किया जा सकता है अगर ये गांव में आते हैं तो यही सब कुछ है। और मैं अभी अभी मैंने जो है मोबाइल लिया और वीडियोस में देख रही थी अनीता जी की, तो गांव के भी लोग इनके सपोर्ट में हैं, जैसा कि आप लोगों ने पहले की वीडियोज़ को देखी है किस तरह से क्या कुछ हुआ। देखिए, जो भी इनके घर का लेन देन है, जो भी है, ये तो अब हम जान ही चुके हैं, क्योंकि अनीता जी के तरफ से कभी भी अपने घर की चीज़ें बाहर नहीं आई थी, लेकिन दूसरी तरफ से चीज़ें धीरे धीरे सब कुछ बाहर आने लगा। और हम यही कहेंगे कि दो परिवार हैं, दोनों अपने अपने जगह पर खुश रहे। इस तरह से किसी के रास्ते में अड़चनें लाना, अड़चन पैदा करना, कहीं ना कहीं सामने वाले को तो हम नुकसान पहुँचा देते हैं, लेकिन उस नुकसान का भरपाया कहीं ना कहीं हमें खुद भी करना होता है, जैसा कि हो रहा है। आप लोग भी देखोगे, अगर एक घर में दो देवरानी जेठानी आपस में लड़ती हैं, तो भले ही पलड़ा किसी एक का भारी हो, लेकिन जिसका पलड़ा हल्का होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं लपेटे में आता है और परेशान होता ही है।
तो यही सब सोचकर मैंने सोचा कि वीडियोज बनाऊं और भगवान सबको खुश रखे, उनके परेशानियों से उनको निकाले, मैं यही दुआ करती हूँ। बीमार हैं, मैंने देखा किस तरह से वो खेत में अभी भी जो है वो भिंडी तोड़ रही थी, और एक महिला आई थी जिससे वो अपनी बातों को शेयर कर रही थी। परेशान तो सचमुच में है भाई, और इतना बड़ा जब आरोप लगा दिया जाए तो एक महिला बिल्कुल अपने पति बच्चों के लिए परेशान होगी। तो मैंने सोचा कि अपनी बातों को रखूं, और मैं जानती हूँ कि देखिए हमारी वीडियोज उन तक नहीं पहुँचती होगी, या फिर वो नहीं देखती होंगी, या फिर वो देखती होंगी होंगी तो आज तक उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई हमारी वीडियोस देखे तभी हम अपनी बातों को कहेंगे। अच्छा इंसान आपको हर जगह नहीं मिलता है, जिनका व्यवहार कहते हैं ना कि हम क्यों खींचते हैं उनके तरफ, हम उनके व्यवहार, उनके बोली व्यवहार, बोली वचन से खींचते हैं ना, आकर्षित होते हैं। और दुनिया में क्या है, कोई किसी को पैसा नहीं दे देता है, कोई किसी को गहना जेवर घर नहीं दे देता है, लेकिन व्यवहार जो होता है वो हम अपने से दूसरों को देते हैं, और वही व्यवहार हमारे लिए अच्छाई का काम करता है, और वही व्यवहार बोली वचन जो होता है लोगों को हमारे ओर आकर्षित करता है। तो मैंने सोचा कि अनीता जी के लिए आज मैं वीडियोज बनाऊं, काफ़ी दिनों से मैंने नहीं बनाया था, और आप लोग भी जान रहे हो जैसा कि नवरात्रि का समय चल रहा है, सब अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ में बिजी हैं, मैं भी बिजी थी, लेकिन मैंने सोचा कि आज जब मैं वीडियो देखी अनीता जी की और अंजलि की तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन फिर ये देखी कि परेशान है भाई, परेशानी तो है, तबीयत भी सही नहीं है, और जितना मेहनत उनको मतलब वो करती हैं अपनी वीडियोस के लिए, और जो अपने सोशल लाइफ मतलब अपनी लाइफ में भी जो उन्होंने किया है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। सक्सेस पाना इस प्लेटफॉर्म पे बहुत मुश्किल है, और फिर भी चीज़ों को दिखाना करना, कुकिंग का चैनल बनाना इतना आसान नहीं है भाई, मेरे हिसाब से तो बहुत टफ है। तो मैंने सोचा कि आज अनीता जी के लिए मैं वीडियोस लेकर आऊँ, भगवान उनकी सभी प्रॉब्लम को दूर करे, और माता रानी से मैं यही कृपा करती हूँ। और जो भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं भाई, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप सबों के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे इस नवरात्रि, जो आपकी इच्छाएँ हो वो पूर्ण हो। मैं भगवान से यही करते हैं हमेशा की तरह, इस बार भी वही दुआ करती हूँ। तो जो मेरी वीडियोज़ पर नए होंगे वो कमेंट करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, क्योंकि हमें भी आपकी ही सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और आपके कमेंट हमारे लिए हर बार की तरह इस पर भी बोलूँगी बहुत ही सम्मानजनक और आदरणीय होते हैं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि हमने क्या कुछ गलत बोला या फिर नहीं बोला। तो आप अपना कमेंट वीडियो पूरा देखने के बाद ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और लास्ट में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा, ताकि अगर कोई मैं वीडियो लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ईश्वर की दुआ आप सभी को लगे, मैं इस नवरात्रे आप सभी के लिए यही गुड विशेस करती हूँ भगवान से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप सभी को जय श्री राम।